एक बंदे ने ये वीडियो देखी और लाइक सब्सक्राइब करना भूल गया। अगले दिन उसे कोरोना हो गया। ससुरा, आज तनी खांसी काहे हो रही है हमें? कहीं कोरोना तो नहीं हुई गवा? नहीं नहीं, शायद खांसी सिगरेट की वजह से हो रही है। लेकिन सिगरेट से छींके तो नहीं आनी चाहिए भैया। टेम्परेचर भी ज्यादा लग रहा है, कहीं सच में कोरोना तो नहीं हुई गवा हमें? ए बुढ़बक, परेशान होगा। ई कौन बोला? क्या आपको खांसी हो रही है? हाँ भैया। क्या आपके फेफड़ों में जकड़न हो रही है? हो तो रही है भाई। क्या आपको छींके आ रही है? हाँ भैया। बधाई हो, आपको कोरोना हुआ है। ऐसा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको टेस्ट कराना होगा। क्या करूं भैया, टेस्ट करवा लूं? कहीं हॉस्पिटल में जाके संक्रमित हो गया तो? या हॉस्पिटल वालों ने कोरोना की झूठी रिपोर्ट बना के हमें मार दिया और अंग बेच दिए तो? अरे कोरोना कोरोना कुछ नहीं होता, ये सब हमारा वहम होता है। राम राम चचा। अरे लल्लन, मुंह काहे छुपाए हो? काला कर दिएगा कहीं? अरे का बताएं चचा, कोरोना ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हवा बना दिए यार तुम। महामारी है, महामारी है, कोरोना वहम है बस। नॉर्मल सा सीजनल फ्लू यार, कुछ नहीं। और चचा, जो लोग मर रहे हैं उनका क्या? जो डर गया वो मर गया। ऐसे तो घुटने में हार्ट अटैक से भी लोग मर रहे हैं, तो पेट दर्द को महामारी घोषित कर देगा? चचा भगवान न करे कहीं आपको हो जाए, फिर फटेगी आपकी। पहली बात, कोरोना गांव में नहीं आ सकता। काहे चचा, गांव एंटीबैक्टीरियल है का? इतना पैदल चलते चलते कोरोना खुद ही मर जाएगा। और आ भी गया तो हमें टच नहीं कर सकता कोरोना। वाह चचा, रजनीकांत के फूफा होगा आप। अरे बेटा गिलोय खाते हम, दबा के और चबा के। कैसे चचा, बैल के जैसे? नाश्ते में गिलोय, लंच में गिलोय, डिनर में गिलोय। नहीं नहीं, डिनर में हल्दी खाते बेटा। राम राम चाची। चाचा दिख नहीं रही है कुछ दिनों से। अरे का बताएं बेटा, तुम्हारे चाचा हफ्ते भर से कुकुर की तरह खांस रहे थे। हम बोले डॉक्टर को दिखा दो, चाचा माने नहीं, तांत्रिक के पास चले गए। विधवा कर दिया बेटा, ये कोरोना राक्षस ले गए तुम्हारे चाचा को। हवा बना दिए यार तुम। महामारी है, महामारी है, कोरोना वहम है बस। नॉर्मल सा सीजनल फ्लू है और कुछ नहीं। और आ भी गया तो हमें टच नहीं कर सकता कोरोना।